योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, योग में स्वास्थ्य से जुड़े योगासन करने से लाभ होगा, इसे रोग पास आएगा ही नहीं। देश दुनिया में कोरोना वायरस का कहर हो रहा है, भारत भी इससे अलर्ट मोड पर है, लोगों से सतर्कता बरतने को कहा जा रहा है। योग गुरु कुछ अलग नुस्खा बता रहे हैं, वे योगासन करने कह रहे हैं, साथ ही गिलोय, अदरक और तुलसी का काढ़ा पीने की सलाह दी है। किसी तरह से आतंकित होने की बात नहीं है, विदेशों और अप्रवासियों से परहेज करने को भी कहा है। शहरों में अननोन लोगों के साथ में होली ना खेलें, कम से कम फॉरेनर्स के साथ में या जो NRI हैं विदेश प्रवासी जो लौटे उनके साथ में संपर्क में एहतियात बरतें। बाबा रामदेव शनिवार को नामकुम में आचार्य कुलम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे इस बीमारी से निपटने के लिए चीन को सहयोग का ऑफर दे रहे हैं, मांसाहार से भी बचना चाहिए। चाइना को भी ऑफर किया है कि आप अपने नागरिकों को योग सिखाइए और उसके लिए जरूरत है तो हम योग एक्सपर्ट देने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद भी जाने के लिए तैयार हूँ। ये जो जड़ी बूटियाँ हैं गिलोय तुलसी खास करके भारत में ज्यादा होती हैं, बाकी हल्दी अदरक और काली मिर्च तो वहाँ पर भी है, तो गिलोय और तुलसी इसको भी चीन के लोगों के लिए हम प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देश में राजनीतिक और सामाजिक मोर्चे पर चल रहे आंदोलन पर उन्होंने कहा कि देश में वैचारिक उन्माद बढ़ा है, देश के लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, यह देश सभी का है। उन्होंने ये भी कहा कि आचार्य कुलम और अन्य किसी भी तरह की वैदिक संस्था में छापामारी की जाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन किसी दूसरे धार्मिक संस्था की गारंटी कौन देगा। कोई मजहबी राष्ट्र नहीं है, कोई कहे कुरान से चलेगा कि कोई कहे बाइबल से चलेगा, कोई कहे वेद से चलेगा, ये हमारी आंतरिक जीवन की आस्थाएं, हमारी निष्ठाएं, हमारे स्पिरिचुअल रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं उससे देश में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उन आस्थाओं के नाम पर उन्माद नहीं। बाबा रामदेव के इस आचार्य कुलम में लगभग 650 छात्र पढ़ते हैं। बाबा ने उम्मीद जताई है कि कुछ ही वर्षों में ये स्कूल झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में नाम रोशन करेगा। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट।